ये बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के एक नए चैप्टर पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ, मैं आपको इसको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। आप जरा इसे ध्यान से देखिए, दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये आपके अब जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसे ही मुझे पता चला है कि आपके फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, तो वो सभी मेंटल मैथ में से ही आएंगे। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और दूसरों को भी सिखाएं। आइए करना शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ यहाँ पर पहले से लिख के रखे हुए हैं बच्चों, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं यहाँ 10th तक मैं आपको कराऊंगा और जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और थोड़ा सा ये मेथड भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा मैं देखो, आपको प्रॉपर्टी तो लर्न होनी चाहिए पॉलीगन के अकॉर्डिंग। जितनी भी प्रॉपर्टी वो सब लर्न होगी तभी आप इसको कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला कहता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो बच्चों आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी पॉलीगन होता है, ठीक है ना, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो थ्री साइड का हो, फोर साइड का हो, फाइव सिक्स सेवन, जितनी भी साइड का पॉलीगन हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो हमेशा के लिए 360 डिग्री का ही आता है। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चाहे वो ट्रायंगल आए, क्वाड्रिलेटरल आए, पेंटागन आए, कोई भी आए, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा है तो 360 ही आएगा, ठीक है। अब हम चलते सेकंड पर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। अब बच्चों पेंटागन, पेंटागन फाइव साइड का होता है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर, पेंटागन हैज फाइव साइड्स। तो बच्चों आपको इसमें सम पूछा इंटीरियर एंगल का, और इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर n माइनस टू और इंटू 180। किसी भी पॉलीगन का अगर आपको इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। n का मतलब साइड से होगा, तो पेंटागन में फाइव साइड होती है, तो फाइव माइनस टू और इंटू 180। अब फाइव में से टू माइनस करेंगे कितना आएगा, थ्री, और थ्री इंटू 180। तो यहाँ पर 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 54 और 10 तो 10, तो 540 आ जाएगा बच्चों आपका सम, ठीक है। आप यहाँ पर थर्ड वाला देख लेते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। इफ मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, उनमें से एक के जो एंगल है वो क्या 30 डिग्री है, तो साइड हमें बताने कितनी साइड का वो पॉलीगन है, ठीक है ना। आपको देखो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, तो हम सभी जानते हैं जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं पॉलीगन के उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। अब इसको वन एक्सटीरियर एंगल दिया, तो वन से इसको जो भी एंगल है जितने भी डिग्री का उसको डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो उसकी साइड कितनी होगी, 12 साइड होंगी। ये आपका आंसर बन जाएगा, हमेशा के लिए याद रखना है। इंटीरियर में होता तो इंटीरियर वाला फॉर्मूला लगा देते, तो एन हम फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। आइए फोर्थ पे चलते हैं। तो फोर्थ पे यहाँ पर बच्चों लिखा, फोर्थ में क्या लिखा है, इफ एन इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन देन व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना। इसमें पूछा है, देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है, यदि किसी पॉलीगन की जो साइड है वो एन है तो उसका सम क्या होगा। अब बच्चों देखो, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटू 180 डिग्री, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। अगर साइड एन है तो एन रख दिया माइनस टू, अगर साइड डिजिट में होती तो हम उसको डिजिट एन की जगह डिजिट लिखते, फिर माइनस हो जाता, फिर हम उसको सोल्व करके लिख देते, लेकिन इसमें तो एन दिया हुआ है, अब एन तो माइनस होगा नहीं, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। आइए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन पर।
तो यहाँ पर बच्चों देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल मेजर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, 45 डिग्री दिया हुआ है। अब बच्चों देखो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो एक्सटीरियर एंगल हम जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो आपको मालूम ही है ना, ये आपको मालूम है। तो इसी से हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर, अब इसमें पूछा साइड कितनी है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स, तो सम को रखना है ऊपर और वन एंगल को रखना है नीचे, आपको कर देना है डिवाइड। 9 से कर सकते हैं, 9 से अगर आपको इजी लगे फिर 5 से कर सकते हैं, तो 8 साइड आ जाएगी बच्चों आपकी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कहता है, देखो यहाँ पर इफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैलोग्राम आर इन द रेशो, यहाँ पर रेशो है बच्चों 3:2। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये पैलोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, यहाँ पर ये मैं बना देता हूँ, ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके। तो एडजेसेंट एंगल मतलब जिसकी जिसमें वन साइड कॉमन लगती हो, तो मान लीजिए ये है, ये वाला ये है, क्या रेशो है, 3:2। मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है, इस तरीके से आप मान लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ग्रेटर है तो 3 मान लिया। अब इसमें पूछा है देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ऑल फोर एंगल्स, ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ऑल फोर एंगल्स, और हम सभी जानते हैं बच्चों अपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। तो ये 2 का है तो ये भी 2 का होगा, समझ में आया, ये 3 का है तो ये भी क्या होगा, 3 का होगा। आपको अब मैं शॉर्ट तरीके से क्या कैसे बताता हूँ, आप सब इन रेशो को ऐड कर लीजिए, सब रेशो को ऐड कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो कितना आया, 3 और ये 4, 6 और 4 हो गया 10, ठीक है 10 आ गया। अब आपको आप जानते हैं क्या, आप ये सब जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। अब आप क्या करें, इस रेशो से इसको डिवाइड कर दें, ये आ गया 36। अब सभी एंगल आपको फाइंड आउट कर लें, मान लो ये ए बी सी डी मैंने नाम दिया हुआ है, तो ए अगर आपको फाइंड करना है तो एंगल ए, तो जो 36 आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 72 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। एंगल बी आपको फाइंड आउट करना है तो ये है 3, तो 3 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 108, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों यहाँ पर एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो इन दोनों की वैल्यू तो आ गई 72 डिग्री और बी और डी की वैल्यू आ गई 108 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा, यानी ए भी 72 डिग्री का है, सी भी 72 डिग्री का है, बी 108 डिग्री का है और डी भी 108 डिग्री का है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी होल सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बच्चों देखो लिखा है, क्या लिखा है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। इफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री देन व्हाट इज द मेजर ऑफ अपोजिट एंगल। अब बच्चों देखो यहाँ पर रोम्बस भी क्या होता है, रोम्बस भी एक तरीके का पैलोग्राम होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब 90 डिग्री का एंगल है तो ये 90 का है, तो इसके अपोजिट एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। आप इसमें रीजन अगर कोई पूछे तो बोल सकते हैं रोम्बस इज ए पैलोग्राम, तो वी नो दैट द अपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम्स आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये ए बी सी डी, अगर ए 90 का है तो ए के अपोजिट सी आएगा और तो सी भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये ओरली हो गया बच्चों, अगर ऑप्शन में आता है तो 90 डिग्री पे आप क्या कर दें, क्लिक कर दें, ठीक है ना, टिक कर दें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या लिखा, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन में साइड होती है 8, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
सॉरी यहाँ पर नाम लिख देते हैं इस तरीके से, ऑक्टागन हैज 8 साइड्स। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अब मैंने आपको बताया है कि कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन, ठीक है, इक्वल टू 360, ये सभी का होगा। अब इसमें पूछा ईच एंगल, ईच एंगल कितने का होगा, तो ऑक्टागन में 8 साइड होती है, समझ में आया। तो यहाँ पर इसको 360 को हम क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड कर दीजिए, 8 4 जा 32, 4 8 5 जा, यहाँ पे आ गया। तो ईच एंगल जो एक्सटीरियर एंगल होगा 45 डिग्री का होगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको सभी प्रकार की प्रॉपर्टी इस पॉलीगॉन से और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड याद होंगी तभी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। अब ये देखो पेंटागन है, पेंटागन में कितनी साइड होती हैं मालूम है ना, मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर, और यहां पर पेंटागन हैज 5 साइड्स। ठीक है, 5 साइड होती हैं, और इसमें भी एक्सटीरियर एंगल का फाइंड आउट करना है। तो हम सभी जानते हैं कि सम ऑफ, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको लर्न हो भी गया होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना, 360। ठीक है, तो ईच एंगल निकालना है, तो 360 को आप 5 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, 5 7 जा 35 1 0, 10 हो गया, 5 2 जा 10, 72 डिग्री आ जाएगा बच्चों एक्सटीरियर एंगल ईच की माप, समझ में आ गया, ये 9 हो गया। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से आपको निकालना है, तभी आप इसको टिक मार्क कर पाएंगे ना। अगर ज़्यादा सोल्व करेंगे, डिटेल से जाएंगे, तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, इतना टाइम होता नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है, इफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 2:3:5:8, फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल, अब ये क्वाड्रिलेटरल है। अब बच्चों क्वाड्रिलेटरल मैं आपको बताता हूँ, क्वाड्रिलेटरल जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है, समझ में आ गया। अब बच्चों देखो रेशो क्या हुआ, इसमें रेशो दिया हुआ है, रेशो एंगल्स रेशो, ये आपको माइंड में करना है। यहाँ पर दिया तो इनका, इनको प्लस कर दीजिए, टू जो भी रेशो है, 2:3:5:8, ये रेशो को मैंने ऐड कर दिया। अब देखो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 5 और 5 10 और 18 आ गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, ये जो सम है ना, इसको 18 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 18 2 जा 36 20 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको पूछा स्मॉलेस्ट एंगल, अब स्मॉलेस्ट रेशो किसका है, यहाँ पर ये 2 है, तो 2 को 18 से 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, 22 जा 40, तो बच्चों ये स्मॉलेस्ट एंगल की मेजरमेंट आ गई। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्मॉलेस्ट एंगल्स इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये शॉर्ट मेथड है,
आप ये तभी कर पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आप अगर डिटेल से जाएंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। आप जैसे मानेंगे, जैसे मान लीजिए रेशो गिवन है यहाँ पर 2:3:5:8, तो आप इनको मानेंगे लेट एंगल 2x 3x 5x और 8x, फिर इनको ऐड करेंगे, फिर 360 के इक्वल रखेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो ये पाठ बच्चों हो गया है। आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से सीख कर दूसरों को जरूर सिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।